हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं UPTGT इंग्लिश 2022 के लिए एक मॉडल पेपर लेकर आई हूँ और पक्का है इसी तरह से आपका पेपर आएगा। इस मॉडल पेपर से आपको 10 से 12 क्वेश्चन 100% मिलेंगे, लेकिन जिस तरीके से आपको तैयार करना है वो मैं आपको तरीका इसमें बताऊंगी। सारा पेपर उस तरीके से करके नहीं बताऊंगी, जस्ट कुछ क्वेश्चंस आपको सोल्व करके दिखाऊंगी कि आपको इस पेपर को, मॉडल पेपर को किस तरह से पढ़ना है। और आपको 10 से 12 क्वेश्चन, आपको 125 क्वेश्चन आप करते हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 100% इसमें से मिलने वाले हैं। तो माई डियर फ्रेंड्स, ये आपके सामने TGT मॉडल पेपर लिया है मैं 2022 के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि अनईजी लाइज द हेड द वियर्स अ क्राउन द फिगर ऑफ स्पीच इज। देखिए आंसर तो पता चल जाएगा, आपको करना क्या है। या साथ ही मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मैं आपको जो प्रीवियस पेपर है उन्हें पढ़ने का भी एक तरीका बताती हूँ, जिससे मुझे भी हेल्प मिली थी और एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। कुछ जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच है, इसमें यहाँ ऑप्शन में 4 फिगर्स ऑफ स्पीच दिए हैं। इट मीन्स ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार इन्होंने, आयोग ने ये पूछा है तो अगली बार ये पूछ लेगा, अगला क्वेश्चन ये हो सकता है। तो आपको क्या करना है, वैसे तो फिगर्स ऑफ स्पीच है नॉर्मल हो गए, आपको करना जैसे वर्ड मीनिंग में होता है वो आगे मैं बताऊँगी। तो ये क्या है इंपॉर्टेंट है, आप अपने इस पर नोट कर लीजिए कि ये 100% आपको इसमें बिल्कुल भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसके आप एग्जांपल बार बार पढ़ेंगे तो इनमें से आपको एक बार क्वेश्चन इसमें से आता है, एक बार इसमें से आता है, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे यहाँ पर दिया है अनईजी लाइज द हेड द वियर्स अ क्राउन, तो फिगर ऑफ स्पीच इसमें जो है सिनेकडोची है, क्योंकि ये सिनेकडोची क्या, ये इसकी डेफिनेशन क्या है कि हुल को पार्ट और पार्ट को हुल के रूप में शो करता है। तो यहाँ पर जो क्राउन लिया है वो एक क्राउन क्या होता है, मुकुट है, और मुकुट जो यहाँ पर लिया है वो राजा के लिए लिया है। तो सिनेडोची इसी चीज़ के लिए वो इशारा करती है कि जैसे क्राउन ब्रेड, ब्रेड कर दिया कि भाई भूख लगी है तो भूख के लिए, तो हम ब्रेड जो है हमारी उसके लिए आता है कि हम भूखे हैं और हमें कुछ चाहिए। तो क्राउन जो है यहाँ कहने के लिए, तो इसका जो ओरिजिनल मीनिंग है वो मुकुट है, बट ये किंग के लिए शो कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी आप क्या करेंगे, सिनेकडोची लिटोटेस पन और एंथीथिसिस 100% इनको आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। मैन इज एंटायरली डिफरेंट, अब यहाँ पर क्या लिया है, अदर एनिमल इन द अटर हेल्पनेस ऑफ हिज बेबीहुड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ से करेक्ट प्रीपोजिशन निकालनी है। प्रीपोजिशन आपको 100% आपकी 4 से 5 क्वेश्चन आपके पास आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो TGT PGT है। प्रीपोजिशन बहुत कन्फ्यूजिंग होता है और माइनर माइनर सा डिफरेंस होता है, काफ़ी पढ़ने के बाद भी उसमें से एक दो क्वेश्चन गलत होता है। इससे जो ग्रामर की अगली वीडियो होगी, मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस की वीडियो दे चुकी हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ एक दो से क्वेश्चन वहाँ पूछा जाता है। अगली वीडियो जो है मैं प्रीपोजिशन ही आपको दूंगी। तो यहाँ पर मैंने एंटायरली डिफरेंट, तो डिफरेंट जो होता है उसके साथ में हम फॉर्म लगाते हैं, डिफरेंट फॉर्म अदर एनिमल्स इन द अटर हैप्पीनेस ऑफ हिज बेबीहुड। गिव एवरी मैन दे ईयर बट फ्यू द वॉइस द फिगर ऑफ स्पीच। अब देखिए जो पहले में आए थे ना वही रिपीट हो गए यहाँ पर, एपिग्राम लिटोटेस पन और एंटीथीसिस। तो अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अब यहाँ इसमें जो है वो है एंटीथीसिस, क्योंकि गिव एवरी मैन, यहाँ पर एवरी का यूज़ हुआ है और यहाँ पर फ्यू का यूज़ हुआ है, तो एंटीथीसिस होता है विरोधाभास। अब देखिएगा आपको डिफरेंस अच्छे से समझ लेना है, एंटीथीसिस पैराडोक्स जो ये है आपके फिगर्स ऑफ स्पीच लगभग सेम से, और ऑक्सीमोरॉन, तीन है ये एंटीथेसिस ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स, तीनों को एक जगह आप उनकी डेफिनेशन जरूर पढ़ लेंगे। तीनों ही विरोधाभास प्रकट करते हैं पर तीनों में माइनर माइनर सा अंतर है, अच्छे से आप देख लीजिएगा। अभी मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच की वीडियो नहीं बनाई है तो तैयार कर रही हूँ, लेकिन आप भी अगर आप तैयार कर चुके हैं तो इन तीनों को, जैसे मेटोनमी है और सिनेकडोची है, फिगर्स ऑफ स्पीच वो दोनों माइनर डिफरेंस होता है, उन दोनों को एक जगह आप उनके एग्जाम्पल को समझिए, और ऐसे इन तीनों का जो मैं बताया, एंटीथेसिस आपका और पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरॉन, इन तीनों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। फैंसी इमेजिनेशन आर द टर्म्स, ये टर्म्स हैं फैंसी इमेजिनेशन जो दी गई थी कोलरिस के द्वारा। द होली ट्री इज एसोसिएटेड, अब एसोसिएटेड के साथ में जो प्रीपोजिशन लगता है वो लगता है विद, द होली ट्री इज एसोसिएटेड विद सीन्स ऑफ गुड विल। ठीक है जी, तो इसमें कुछ समझाने वाला ऐसा है नहीं। फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन, तो यहाँ लाइन है, नोर द फ्यूरियस विंटर्स रेजेस आर द लाइंस इन द वर्जिन वुल्फ,
रिपीट इन हर नॉवेल मिसेज डैलोवे, मतलब ये जो लाइनें दी गई हैं वर्जीनिया वुल्फ जो है अपने जो नॉवेल है मिसेज डैलोवे में ये रिपीट करती है, तो ओरिजिनली जो दिखाई देती है जो जहाँ से ली गई वो शेक्सपियर के सिम्बेलिन से ली गई है। All the world is a stage is famous speech of Jacques. आप सभी जानते हो ये क्वेश्चन तो पता नहीं कैसे ना कैसे करके आ ही जाते हैं, हर मॉडल में मिल जाएगा आपको और एग्जाम में भी लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये शेक्सपियर के एज यू लाइक इट्स में लिया गया है। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो शेक्सपियर का, जैसे पूछ लिया एज यू लाइक इट दे दिया, किसने दिया, किसने बोला थी लाइन, जैक्स ने दे दिया, जैक्विस बोले, जैक्स बोले, या फिर पूछ सकते हैं किस एक्ट में और किस सीन में लिया गया है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं करा चुकी हूँ आपको जो मैंने अपने मॉडल पेपर आपको दिए थे। Fear seed time had my soul and I grew up fostered alike by, तो यहाँ पर लिया है कि वर्ष वर्ड की प्रिल्यूड से हैं ये, तो उन्होंने यहाँ क्या वर्ड यूज़ किए हैं, तो वो उन्होंने यूज़ किया ब्यूटी और फियर, मतलब ये कहते हैं कि जो फियर सीड टाइम था मेरी सोल का, यानी मेरी सोल का ग्रो जो बीज टाइम था वो ग्रो अप हुआ और फोस्टर्ड यानी नेचर हुआ किसके द्वारा, किसके सम्मान, वो ब्यूटी के और बाय फियर के, यानी सुंदरता और फियर के बीच में उनका वो फोस्टर्ड किए गए। इन अ सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन इज वर्ड्सवर्थ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स इन, तो मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में भी मैंने आपको बताया था, जब मैंने उसको लिरिकल बैलेड्स को अच्छे से आपको कवर कराया था तो उसमें ये चीज़ क्लियर थी कि उसमें उन्होंने ये बताया था वर्ड्सवर्थ ने कि पोएट्री क्या होती है, पोएट्री की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, पोएट कौन होता है। तो वही चीज़ है कि जो सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज का है वो रियली जो यूज़ किया जाता है आदमी के, वो उन्होंने बात की थी प्रिफरेंस टू लिरिकल बैलेड्स में ली गई थी। जो न्यू व्यूअर्स हैं वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वर्ड्सवर्थ की काफ़ी पोएम्स को मैंने करा रखा है, लिरिकल बैलेड्स को और प्रिल्यूड को आप बिल्कुल रट के जाए, यहाँ से 100% आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, हर बार रिपीट होते हैं। नेहुम टेट इज नोन फॉर, आप ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है, मतलब हमारे मॉडल पेपर्स में या प्रैक्टिस सेट में बार बार आता है। नेहुम टेट एक ऐसे राइटर होते हैं जो किंग लियर को एक हैप्पी एंडिंग देते हैं, जो कॉर्डिला होती है उसकी मैरिज को दिखाया जाता है। विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, तो करेक्ट स्पेलिंग उन्होंने पूछा है, तो करेक्ट स्पेलिंग आपकी है डी एट्रोसिटीज़, एट्रोसिटी यानी ये एट्रोसिटी है, एट्रोसिटी का एट्रोसिटीज़ बनाया गया है, ये है वेरी क्रूल, जो बहुत निर्दयी होते हैं ना, बहुत अत्याचार करने वाले होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है निर्दयता एट्रोसिटीज़। फाइंड द मिस स्पेल्ट वर्ड, तो यहाँ पर मिस, अच्छा अब मैं आपको वोकैब का भी बताती हूँ, जैसे यहाँ पर चार इन्होंने कहा मिस स्पेल्ट वर्ड ढूंढना है, एक तो सही एक गलत होगा, तीन सही हो गए। अब आपको वर्ड मीनिंग के लिए आपको ना, जैसे ये चार दिए आपको यहाँ उसमें ऑप्शन में, तो आप ओबनोशक्स का मीनिंग देखिए, अपनी नोटबुक बनाइए, देखिए कभी भी जो वोकैब होती है ना वो कभी आपको रट के बुक से नहीं होती है, कुछ उसमें आपके वर्ड्स पढ़े हुए होते हैं आपके याद होते हैं, कुछ न्यू मिलते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे हमने आज वोकैब पढ़ी अपनी बुक्स में से वोकैब पढ़ी और जो आपके लर्न थे, अच्छा मेरे ये लर्न है ओके, और बाकी जो लर्न थे आपने टिक भी लगा लिया उनको, फिर आप भूल जाते हैं उनको कुछ दिनों बाद, फिर 15-20 दिन बाद आप रिपीट करते हो, फिर आप उन्हीं को पढ़ लेते हैं बार बार जो आपके याद किए हुए हैं। तो बेटर ये होता है कि उनमें से जो हार्ड वर्ड है वो अपने अलग बुक में नोट कीजिए, नोटबुक में नोट कीजिए और उन्हीं पर रट्टा लगाइए, क्योंकि जो आपके लर्न है उन्हें बार बार पढ़ने से क्या फ़ायदा, उनको तो बीच में एक बार महीने दो महीने में आप एक बार रिपीट कर लीजिए ताकि आप उन्हें भूलो ना। तो जैसे ही वर्ड आए हैं आपके यहाँ चार वर्ड आए, चारों वर्ड को इसमें से कैरिकुलम है आप सभी जानते ही है, तो जैसे ही तीन वर्ड है कुछ बच्चों को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा, तो आप तीनों वर्ड अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, इस तरह से आप एक डिक्शनरी तैयार हो जाएगी इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, क्योंकि वोकैब तो बहुत बड़ी है। आप बच्चे मुझसे मोस्टली पूछते हैं मैम वोकैब कहाँ से तैयार करें, तो वोकैब का तरीका एक तो यही है कि जितने भी आज तक सोल पेपर आए हैं और जो वहाँ ऑप्शन, एक तो वही जिसका वर्ड मीनिंग पूछा है या एंटोनिम पूछा है सिनोनिम पूछा है, और एक तो वो वर्ड्स प्लस जो ऑप्शन में दिए हुए हैं ना उनको भी आप नोट कर लीजिएगा, और जो मैं बात कह रही हूँ आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ उन्हीं ऑप्शंस में से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं नेक्स्ट टाइम पर। तो यहाँ जो 12 का जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट है, करिकुलम जो है मिस स्पेल्ड वर्ड है। फाइंड आउट द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, तो यहाँ आपको पंक्चुएशन बतानी है कि कौन सा सेंटेंस जो है पंक्चुएशन से आपका सही है, तो वो यहाँ पर देखेंगे व्हेन आई सेड दैट कॉलेज
वॉज क्लोज, तो यहाँ पर कोमा तो है नहीं, तो ये तो गलत हो गई, यहीं से कमा हो गया। व्हेन आई सेड दैट कॉलेज वॉज क्लोज, तो यहाँ कोमा दिया, ही सेड, फिर कोमा दिया, वाई एंड फॉर हाउ मैनी डेज, मेरे हिसाब से तो यही है। आगे फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। व्हेन आई सेड दैट कॉलेज वॉज क्लोज, ही सेड, वाई आर नॉट, ये तो यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है, तो ये आपका बी जो है आपका ऑप्शन सही है। वैसे तो ये टाइम सेविंग भी होती है, अगर हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमें लग रहा है बिल्कुल सही है, तो आप सीधे आगे उसे करेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। बिसाइड्स अ कोमा वॉट इज़ यूज टू मार्कअप अ डायरेक्ट कोटेशन, आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जितने भी दो तीन तरह, आप पहले तो पंक्चुएशन जो आते थे ना, आप मेरी वीडियो भी देख लीजिएगा, सबसे पहले वही वीडियो बनाई थी कि जो पैटर्न बदला है ना 2016 से 2021 में, जो पेपर पैटर्न बदला है वो दोनों एग्जाम्पल बिल्कुल यहाँ पर आ गए। 2016 से पहले जो पंक्चुएशन आते थे ना वो इस तरह से आते थे, जैसे सेंटेंस दिए आपको सही देखना था इसमें कौन सा गलत है, कहाँ पर कोमा लगाया गया, सेमी कोलम लगाया गया, क्वेश्चन मार्क लगाया नहीं लगाया। बट अब 2016 से क्वेश्चन इस तरह से आ रहा है कि आपको उनकी डेफिनेशन पूछ रहे हैं। बिसाइड्स अ कोमा व्हाट इज यूज्ड टू मार्क अप डायरेक्ट कोटेशन, एक कोमा के अतिरिक्त जो है डायरेक्ट कोटेशन के लिए हम क्या लगाते हैं, वैसे इन्वर्टेड कोमा होता है लेकिन यहाँ पर नहीं, हम कोलन का भी यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ए हो गया। तो आप इनको अच्छे से कोलन के कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं, सेमी कोलन कहाँ यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप कहाँ यूज़ करते हैं, हाइपन कहाँ यूज़ करते हैं, जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स के ये जो मार्किंग है, आपके चिन्ह है, सिंबल है, आप उन सबको लर्न कर लीजिएगा। डेफिनेशन पूछी जा रही है। एक लास्ट में एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि कोमा कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर चार ऑप्शन आपको दे दिए थे, डेफिनेशन दे देती, तो उनमें तो एक रोंग था, वो आपको निकालना था या सही निकालना था, इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था। फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, आपको करेक्ट नरेशन बतानी है इनडायरेक्ट स्पीच की, जैसे ही बेड मी गुड बाय, तो ये इनडायरेक्ट बना दिया, आपको क्या बनाना है, डायरेक्ट बनाना है, तो इसके लिए क्या है, ही सेड टू मी गुड बाय, तो ही सेड गुड बाय तो नहीं होगा, ही बेड तो फर्स्ट वाला आपका राइट है। ट्रांसमुटेशन इज़ द ऑपोजिट ऑफ, अब देखिए वही चीज़ें आ गई है कि आपको ये क्या करना है, एक मीनिंग होगा इसका, ट्रांसमुटेशन होता है किसी चीज़ का रूपांतरण कर देना, और परपेचुएशन होता है स्त्रीकरण, वहीं पर रहना, कोई परिवर्तन ना होना। तो बाकी जो तीन वर्ड है आप इनका भी मीनिंग एक बार देख लो, तीनों का मीनिंग क्या है, और अपने इसमें लिख लीजिएगा। अगर मैं सबका बताऊँगी तो वीडियो फिर लंबी हो जाती है, मेरा मकसद है कि आपको एक राह दिखाना, ना कि आपका हाथ पकड़ के चलना। तो ये जो है आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, जो भी आपको इसमें जो वर्ड आपके लर्न है उसे छोड़ दीजिए, जो वर्ड आपको लर्न नहीं अपनी नोटबुक में आप लर्न नोट कर लीजिएगा, उनका मीनिंग भी लिखिएगा। Having womanly traits is known as, जो womanly traits रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वो होता है, ये तो बहुत फेमस है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, इफिमिनेट होता है, जो जिनमें जो होता था मतलब मैन होता है लेकिन उसमें womanly स्त्री के ट्रेट्स होते हैं, तो वो इफिमिनेट जाना जाता है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो दैट इज़ द ए, 18 का डी है corroborate। अब बात करते हैं द करेक्ट एंटोनिम ऑफ टायरो, टायरो का एंटोनिम क्या होता है, जो टायरो होता है वो होता है नोविस, नो सीखिया, इस तरह से। तो एंटोनिम पूछा है तो होता है वर्चुअस, जिसपे मतलब काफ़ी क्या है, गुणी है, गुणी तभी होता है जब उसको एक्सपीरियंस मिल जाता है। चेंज द फॉलोइंग इन टू द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट एंड इंडिकेट द करेक्ट वन, आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। शी सेड लेट अस सिंग टुगेदर, तो शी प्रपोज्ड यहाँ तक सही है, दैट दे, तो वी तो होगा नहीं, ये कट गया, ये नहीं होगा, तो फर्स्ट आपका ऑप्शन सही हो गया, सी प्रपोज दैट दे शुड सिंग टुगेदर। 21, अ पर्सन हु इज़ नीदर अ मैन और नॉर ए वुमैन, जो ऐसे व्यक्ति जो नीदर ना ही तो मैन है ना वुमैन है, वो होता है यूनक। अ मेजर क्रिमिनल एक्ट इज़ नोन एज, जो मेजर क्रिमिनल एक्ट होता है, जो एक महापाप होता है, घोर पाप होता है, वो होता है फेलोनी, FELONY। तो आप अपनी उसमें जो एबोनिक आबनोस्कोपी होता है, फिलोलॉजी, ये सब चीज़ें जो है आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। वन हु इज़ ग्रीडी, जो ग्रीडी होता है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो होता है एवारिसस, जो होता है वो ग्रीडी होता है। लेकिन जो चार ऑप्शन हैं जो आपको नहीं पता है वो अपनी नोटबुक में आप नोट करके चलेंगे। अ फाइनल क्रशिंग डिफीट बिकम्स, तो ये कहलाते जो फाइनल डिफीट होती है उसको हम जाना जाता है वाटरलू के बारे में। वाटरलू आप जानते हो नेपोलियन वॉर के साथ जुड़ा हुआ है, तभी से वाटरलू क्या होता है, जो फाइनल डिसीजन होता है, जहाँ फाइनल वार होता है और डिसीजन निकलता है, वो वाटरलू कहलाती है। क्रिएटिव एक्टिविटी राइटिंग और पिक्चर्स और फिल्म एक्सेट्रा ऑफ नो लिटरेरी और आर्टिस्टिक वैल्यू अदर देन टू स्टिमुलेट सेक्सुअल डिजायर्स, तो ये तो ये वर्ड तो बहुत फेमस है पोर्नोग्राफी, इस पर तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है।
वुड वर्ड डू वी यूज फॉर अ पर्सन हु इज मॉर्बिडली कंसर्न्ड विद हिज हेल्थ. ऐसे व्यक्ति जो अपने हेल्थ के साथ ज़्यादा कंसर्न होता है तो वो होता है वैलेटुडिनेरियन. अब देखो ये वर्ड भी मैंने आपको बता चुकी हूँ, क्लेप्टोमैनिक होता है जिसको चुराने की हैबिट लगी होती है. ठीक है, तो जहाँ मैनिया वाली वीडियो है आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हो. और वैलेटुडिनेरियन होता है जो अपनी ज़्यादा जिसको सनक होती है ना अपनी हेल्थ से कि मैं तो बीमार हूँ, मुझे ये हो गया, तो वो होता है वैलेटुडिनेरियन. द फोर्थ स्टेट इज़ द प्रेस, सभी जानते हैं, उसमें कहने वाली बात नहीं है. जो चौथा स्तंभ होता है वो प्रेस होती है. टू स्मेल आर रेड इज़ टू बी सस्पिशियस. क्या होता है, जब अगर स्मेल आ रही है रेड की तो क्या है कि वहाँ कोई चीज़ तुम्हें क्या है वो संदेह के दायरे में है. कन्वर्ट द फॉलोइंग इन टू सुपरलेटिव डिग्री, आपको क्या है सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पर क्या दिया है, वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट. एक चीज़ ध्यान रखिए, सुपरलेटिव डिग्री होती है जिनको पता है, जिसको नहीं पता ये एडजेक्टिव की डिग्री होती है, तीन होती है आपकी, है ना, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. तो यहाँ पर इन्होंने जो पॉजिटिव डिग्री है उसको दिया है और आपको सुपरलेटिव डिग्री में करना है. वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट. तो क्रिकेट इज़ द मोस्ट, तो नहीं मोस्ट पॉपुलर गेम्स, मोस्ट पॉपुलर गेम आ सकता है लेकिन जिसकी तुलना की जाती है तो वो आगे ज़रूर आएगा. अब मैं इसको यहाँ से हम देखिए, क्रिकेट इज़ नॉट द मोस्ट पॉपुलर गेम, ये तो बिल्कुल नेगेटिव दे दिया उन्होंने. क्रिकेट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स, तो ये आपका सही है. ये एक सही इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने मोस्ट भी दे दिया और पॉपुलरेस्ट भी दे दिया, एक ही वर्ड आता है सुपरलेटिव डिग्री का. तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया. कन्वर्ट द फॉलोइंग इन टू सिंपल सेंटेंस, ही सून फॉरगेट द लॉस विच ही हैड सस्टेंड. वो कहते हैं फॉलोइंग करना है सिंपल सेंटेंस में करना है, अच्छे से टाइप्स ऑफ सेंटेंस को आप समझ लीजिएगा. बच्चों से पूछो सेंटेंस क्या होते हैं, बच्चे बता ही नहीं पाते हैं. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस. और ये एग्जाम में 2016 के बाद 2021 के एग्जाम में भी आया था. सिंपल में दे देंगे सेंटेंस, आपको कॉम्प्लेक्स बनाना होगा, कंपाउंड बनाना होगा, या कंपाउंड को आपको सिंपल बनाना होगा. तो यहाँ उन्होंने कहा है कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ नीचे वो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. ही सून फॉरगॉट द लॉस विच ही हैड सस्टेंड. तो वो क्या करता है कि ही सून फॉरगॉट, तो आप उसमें क्या बनाना है, आपको बनाना है सिंपल सेंटेंस में. तो सिंपल सेंटेंस होता है तो उसमें जो ये कंजक्शंस होते हैं ना, मतलब एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, इनको ही जोड़कर आप क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं. तो जब सिंपल सेंटेंस बनेगा तो आप वहाँ से ये कंजक्शन हट जाते हैं. तो पहले तो देखें जिसमें ही विच हटा हुआ होगा, ही सून फॉरगेट्स द लॉस सस्टेंड बाई हिम. आगे चलते हैं, ही सून फॉरगेट, इसमें हटा हुआ ही सस्टेंड लॉस विच ही, विच ये कट गया. ही सून फॉरगेट्स हिज लॉस, ही वॉज इन लॉस एंड आ गया, तो ये कंजक्शन है, इसको हट गया. अब यहाँ दो बचे हुए हैं, कौन कौन से बचे, अब देखो जिसमें ही सून फॉरगेट द लॉस सस्टेंड, तो यहाँ बाई भी जुड़ गया, यानी तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है आपका. ही सून फॉरगेट हिज लॉस, ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस. कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू वन, शी इज, अब यहाँ क्या दिया, देखिए ये दो सेंटेंस सिंपल दिए आपको, एक बनाना है. शी इज ill, she has light fever. तो अब उन्होंने क्या दिया है, she is ill and दे दिया she has high fever. तो इनको क्या करना था, इनटू वन में करना, she is ill with light fever. तो both are correct, और ये दोनों ही correct है क्योंकि यहाँ add से जोड़ दिया और with से जोड़ दिया है, तो यहाँ पर both are correct. Fill in the blanks, boys was excused. तो यहाँ पर क्या आएगा, ईच बॉय, देखिए नीदर होता नेगेटिव में आता है, तो ईच बॉय वॉज एक्सक्यूज, और बीस का सही है. आई थिंक मैं आपको नीदर, ईच, एवरीथिंग, यस मैं आपको एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें सब्जेक्ट विद द एग्रीमेंट वर्ब का जिक्र किया हुआ है, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें क्योंकि उसके बिना आपका एग्ज़ाम अधूरा है. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33. ही इज़ एन ऑथर एंड पब्लिशर, द करेक्ट चॉइस टू फिल इन द ब्लैंक इज 2-2. तो यहाँ ये डबल टू जो डबल ओ वाला है वो आएगा, इसका मतलब भी होता है. लेकिन जैसे ही इज़ एन ऑथर, एक ऑथर भी है और पब्लिशर भी है, भी के लिए हम टू का यूज़ करते हैं. लेकिन जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो टू जो है नेगेटिव सेंस को हटाने के लिए भी यूज़ किया जाता है. ट्रांसफॉर्मेशन भी आपके एग्ज़ाम में आ रही है और वो भी मैं टॉपिक आपका लूँगी. लेकिन जिसको पता है वो अच्छे से जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे कहते हैं ना, एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं आपको कि वह दिल्ली नहीं गया, तो आपको क्या करना है,
ट्रांसफॉर्मेशन क्या है वो बता रही हूँ मैं, कि वो दिल्ली नहीं गया, कि आपको इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, मतलब इस तरह से कराना है कि उसमें नेगेटिव सेंस नहीं है कि ही डिड नॉट वेंट टू दिल्ली, इसमें से आपको नोट हटाना है, बट सेंस यही रहना चाहिए कि वो दिल्ली नहीं गया, ठीक है। तो इस तरह से जो सेंस नहीं चेंज होता और उसका सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो जाता है, सेंटेंस का रूप बदल जाता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो उसमें टू का यूज़ बहुत जेन्युइन है और एग्जाम में पूछा जाता है, कॉमन है यूज इसका। मार्क द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर, इफ देयर इज नो एरर मार्क डी एज योर चॉइस। आर न्यू नेबर हैड बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 10 ईयर्स बिफोर मूविंग द देयर प्रेजेंट, ये है प्रेजेंट हाउस। तो क्या है ये, बिल्कुल एरर आपकी जो टाइम टेंसेस वाली एरर है ना वो वाली है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है सिंस 10 ईयर्स, तो जहाँ अनिश्चित टाइम होता है उससे पहले हम सिंस नहीं 4 लगाते हैं, तो बी आपकी एरर हो गई। अब बात करते हैं 35 की, 35 क्वेश्चन की। आई एक्सपेक्टेड टू फिनिश द वर्क इन टाइम, मैंने एक्सपेक्टेड किया इस टाइम को फिनिश करने के लिए, तो उन्होंने पूछा है क्या करना है, चेंज वॉइस करनी है, तो यहाँ पर देंगे द वर्क वॉज एक्सपेक्टेड टू फिनिश इन टाइम बाई मी, आई एक्सपेक्टेड द वर्क टू बी फिनिश्ड इन टाइम, तो दैट इज जो करेक्ट है टू बी फिनिश्ड इन टाइम, तो ये जो करेक्ट है आपका बी करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, अगर आपने लास्ट ईयर के पेपर भी देखे हो और अभी मैं आपको मॉडल भी करा रही हूँ, इसमें जो वॉइस आ रही है ना वो थोड़ा सा अलग आती है, वॉइस का भी मैं आपको टॉपिक कराऊंगी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, नॉर्मल वाली नहीं थोड़ा पूछी जा रही। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई द रोमन्स दैट दे वुड कंक्वर कार्थेज, तो ये पैसिव में आपको क्या करना है, एक्टिव में बनाना है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, द रोमन्स एक्सपेक्टेड टू कंक्वर कार्थेज, तो यहाँ रोमन्स जो आपका सब्जेक्ट हो गया, पास में एक्सपेक्टेड टू कॉन्क्वर कार्थेज, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है। आप मैं इसके यहाँ रूल नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि नहीं ये नहीं दूसरा हो सकता है, बट यही होएगा, द रोमन्स एक्सपेक्टेड टू कॉन्क्वर कार्थेज। आई एम बैडली इन नीड ऑफ मनी, ये क्लियर है। देखिए प्रीपोजिशन मैं तैयार कर रही हूँ जैसे कि आपकी डिमांड थी, लेकिन प्रीपोजिशन से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके प्रीपोजिशन के एग्जाम में 100% आते हैं, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आपको रटना ही पड़ेगा, किस वर्ड के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन आता है, जैसे नीड के साथ में ऑफ ही आएगा 37 का। आई एम बैडली इन नीड ऑफ मनी, ही लुक्स एट मी सस्पिशियस, ही लुक मी एट मी सस्पिशियस, तो मी सस्पिशन तो यहाँ पर जो है विद आएगा, ही लुक्स एट मी सस्पिशन विद सस्पिशन। फॉरगेट मी नोट इज द सिंगुलर ऑफ, यानी जो फॉरगेट मी नोट है इसका जो सिंगुलर्स है ये क्या है, सिंगुलर है, और प्लूरल यहाँ पर दिया है फॉरगेट मी नोट्स, इसका फर्स्ट ए जो है करेक्ट होगा। ये चीज़ें तो आपको क्या है नाउन में जब पढ़ेंगे तो सिंगुलर और प्लूरल कुछ वर्ड्स आते हैं जिनके ये हाइपन के साथ आते हैं, तो उनके कुछ रूल है आप पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज मैं तो कराऊंगी लेकिन मुझे कराने में टाइम लग रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ब, आपको वर्ब भरनी है सुटेबल वर्ब के साथ में, हिज एप्लीकेशन व्हेन ही हियर्ड द हेड नोट गोट द नेसेसरी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर क्या है पास्ट की यूज़ होगी, तो ही विदड्रू हिज एप्लीकेशन व्हेन हियर्ड द ही हेड नोट, ये आपको बताया था ना मैंने आपको, जो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट हो गया तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट होता है। स्ट्रिक्ट एडियरेंस टू एक्सेसिव पेपर वर्क एंड ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ इज़ नोन एज, ये सभी जानते हैं बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन होता है, जहाँ पर ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ यूज़ की जाती है वो रेड टेपिज्म होता है, डी ऑप्शन इसका सही है। चेंज द वॉइस, नथिंग इज़ नोन टू यू, देखिए आपने देखा होगा बिल्कुल नॉर्मल नहीं आ रही है, नथिंग इज़ नोन टू यू, आपको चेंज करना है ये कौन से वॉइस में करना है, तो फिर यहाँ पर क्या है ये चीज़ रूल होता है, जहाँ नथिंग होता है ना तो यहाँ पर क्या होता है यू डोंट नोट एनीथिंग, एनीथिंग को हम जब पैसे में चेंज करते हैं तो नथिंग का यूज़ करते हैं, इसका एक रूल है ये, यू डोंट नोट नो एनीथिंग, नथिंग इज़ नोन टू यू। प्रेशराइज्ड हैप्पीनेस इज द एग्जाम्पल, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, ट्रांसफर एपिथेट है, सभी जानते भी होंगे इसको, ट्रांसफर एपिथेट है जो प्रेशराइज्ड हैप्पीनेस के लिए। इट इज़ द यूज ऑफ वर्ड्स, इट्स प्रोनाउंसिएशन इमिटेट्स द साउंड द वेरी वर्ड डिस्क्राइब इट इज़, तो आपको क्या करना है यूज़ करना है, इट इज़ द यूज ऑफ वर्ड्स, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है इमिटेट्स करता है साउंड को, तो जहाँ साउंड आता है वो होता है ओनोमेटोपिया। रॉबर्ट प्रोस्ट डिफाइन फ्री वर्ड्स एज, चार ऑप्शन हैं, प्लेइंग टेनिस विद अ नेट, प्लेइंग क्रिकेट विदाउट अ बैट, प्लेइंग टेनिस विदाउट अ नेट,
तो ऑप्शन नंबर सी प्लेइंग टेनिस विदाउट अ नेट, मतलब फ्री वर्स आप जानते हो, मैं आपको करा भी चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। फ्री वर्स ही होता है, इसमें कोई रिदम नहीं होती, कोई राइम नहीं होती, कुछ भी उसमें मीटर वगैरह फॉलो नहीं किया जाता है, अपनी मर्जी से आप छोटी लाइन लिखो, बड़ी लिखो, जैसे भी होता है वो फ्री वर्स होती है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उसकी तुलना जो एक प्लेइंग टेनिस से की है, जब आप टेनिस खेलते हो तो नेट की आवश्यकता होती है, बट जब विदाउट नेट आप टेनिस खेलते हैं तब वो उसी तरह से फ्री वर्स होती है। बात करते हैं 46, इसमें आपको क्या करना है, मैचिंग, एक तरह से जो मैं आपको कराया है ना अब तक उसका सार है। अब आप बता सकते हो मैच करना है ब्लैंक वर्स क्या है, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, स्टेंजा आर डिवीजन ऑफ पोयम बेस्ड ऑन थॉट ऑफ फॉर्म, वर्स आर यूनिट ऑफ पोएट्री सच एज स्टेंजा और ए लाइन, जेनरा लिटरेरी टाइप ऑफ फॉर्म। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए ऑल आर करेक्ट, द फर्स्ट टू आर करेक्ट, द लास्ट टू आर करेक्ट। तो आई थिंक आप जो मेरी वीडियो को लगातार देख रहे होंगे तो इस क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे, ऑल आर करेक्ट इज द राइट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू पूछा गया है उन्होंने कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, आप बहुत बार यूज भी करते हैं जनरली हम जब स्पीकिंग करते हैं। तो द वेंटेज पॉइंट फ्रॉम विच द राइटर नोज द रीडर, द वेंटेज पॉइंट फ्रॉम विच द राइटर टेल्स द स्टोरी, एटीट्यूड ऑफ द रीडर, एटीट्यूड एंड व्यूज ऑफ द पीपल। तो आपको समझ में आ गया होगा, बी इसका ऑप्शन है राइट, द वेंटेज पॉइंट फ्रॉम विच द राइटर टेल्स ए स्टोरी, ऐसा पॉइंट जो पॉइंट वेंटेज पॉइंट जो होता है जिसमें वो स्टोरी को बताता है, तो पॉइंट व्यू कहलाता है। मिडनाइट चिल्ड्रन फेमस वर्क है, नॉर्मल जीएस के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ग्रीमस शेम द सैटेनिक वर्सेस द मूर्स लास्ट और शालीमार द क्लोन आर द नॉवेल्स ऑफ। तो मिडनाइट चिल्ड्रन से आपको समझ में आ गया होगा, ये जो है आपके सलमान जो रुश्दी है उनकी आपकी ये सब लिखे हुए वर्क है। 49, हु रोट द वाइट टाइगर, किसने वाइट टाइगर को लिखा है, तो आपका ये आपका ऑप्शन बी होगा, अरविंद अडिगा। तो वैसे तो मोटा पेपर ये होता है कि मैं आपको ऑप्शन दूँ, थोड़ा वेट करूँ तब तक आप कर लें, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शन देख लीजिएगा और फिर आप आंसर बता ही रही तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मैं आपको टाइम दूँ 2-3-4-5 सेकंड का तो वो थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबी लेंथी बैठ जाती है, और अभी 50 क्वेश्चन हुए और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। यूजलेस रिपीटिशन इज़, ये तो पहले भी मैं आपको बताया, यूजलेस रिपीटिशन ये होता है टोटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी। जैक्स डेरिडा हु रोट ऑफ ग्रामेटोलॉजी इज एसोसिएटेड विद डिस्क्रशन डी कंस्ट्रक्शन ही वॉज, जो देखो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन एक साथ दे दिए उन्होंने, जैक्स डेरिडा है जिसने ऑफ ग्रामेटोलॉजी लिखी है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऑफ ग्रामेटोलॉजी किसने लिखी है, एसोसिएटेड है उन्होंने डी कंस्ट्रक्शन एक लिटरेरी टर्म है उसको दिया है, तो वो कौन थे, तो जैक्स डेरिडा जो थे वो फ्रेंच फिलोसोफिकल एंड क्रिटिक, 51 का फर्स्ट उसका ऑप्शन सही है। एन आयम्बिक ईच फूट इज कॉल्ड, मैंने आपको बताया हुआ है, मेरी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से समझाया कि आयम्बिक क्या होता है, स्पोंडी क्या होता है, फूट क्या होता है, सिलेबल क्या होता है। तो जो आयम्बिक ईच होता है वो आयम्बस होता है। देखिए अगर आप पोयम को पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, तो आपको जो ये वर्क है ना आपको पता होना चाहिए कि मीटर क्या होता है, आयम्बिक क्या है, आयम्बिक पेंटामीटर क्या है, स्पोंडी क्या है, ये सब चीज़ें इनके बिना आप ना पोयम को अच्छे से रीड नहीं कर सकते हो। मूड इज अ, तो मूड क्या है, मूड जो होता है टेम्परामेंट नहीं होता है, ताकि सबसे पहले मूड को देखते टेम्परामेंट पे बच्चे लगा देते हैं, एक दो बार मैंने जो प्रैक्टिस सेट दिया तो उन्होंने सीधे यही आंसर दिया हुआ था। 53 में आप जो ऑप्शन आएगा मेकिंग टू ऑफ द माइंड एट एटमोसफियर क्रिएटेड बाई द राइटर्स डिक्शन एंड डिटेल सेलेक्टेड, तो डिटेल्स जो सिलेक्टेड है यानी राइटर की डिक्शन होती है, जो मूड होता है वो एटमोसफेयर होता है जो राइटर के द्वारा, यहाँ मूड का मतलब क्या है, जो लिटरेरी लिटरेचर में जो यूज़ किया जाता है उसकी बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। एल्यूजन इज़, ये तो डिफरेंट बिल्कुल क्लियर है आपको सभी, इन डायरेक्ट रेफरेंस होता है टू समथिंग, अब जब हम कोई राइटिंग कर रहे हैं उसमें हम किसी और का कोई जो रेफरेंस देते हैं वो एल्यूजन कहलाता है। वन शुड ईट टू लिव नॉट लिव टू ईट एंड आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू आस्क व्हाट कैन यू डू फॉर योर कंट्री आर द एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है, आई थिंक मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, क्रिसमस, मैं इसकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो क्रिसमस क्या होता है, आपके जो वही वर्ड रिपीट किए जाते हैं, तो जैसे इन्होंने कहा कि नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू आस्क व्हाट यू कैन डू, तो ये वर्ड रिपीट हुआ कैन डू फॉर योर कंट्री, तो एक फ्रेज या एक वर्ड्स दो या तीन वर्ड्स जो है जब रिपीटेड किए जाते हैं विदाउट क्रम को घुमा कर किया जाता है तो वो कहलाता है क्रिसमस।
डिनोमेंट वर्ड भी मैं आपको डिनोमेंट जो है करा चुकी हूँ। डिनोमेंट होता है आपका जो आंसर होगा रिसोल्यूशन। डिनोमेंट होता है कि जब भी जो फाइनल आपका ड्रामा होता है कुछ में, उसमें जो एक तरह से मानते हैं ना हैप्पी एंडिंग होती है, आप इस तरह से मान लीजिए कोई कठिनाई आ रही है कुछ भी लाइफ में आ रहा है उसके बाद में सोल्यूशन निकलता है, वो डिनोमेंट कहलाता है। अ पीस ऑफ राइटिंग विच प्रेजेंट्स अ करेक्टर्स इन द थॉट्स इज नोन, ये तो सभी जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम पूछा जाता है। इंटीरियर मोनोलॉग इसका आंसर है। द टर्म डिस्कोर्स इज कंसर्न विद, जो टर्म है वो किससे ली गई है, तो यहाँ चार ऑप्शन है जिसमें से सी आपका सही है, माइकल फोकोल्ट। जो माइकल फोकोल्ट है वो डिस्कोर्स जो टर्म है उनके से कंसर्न है। हु रोट सिक्स कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर, तो जो है सिक्स कैरेक्टर, अब ये देखिए ना जैसे कुछ बच्चे कहते हैं मैम हमें हिस्ट्री, ये अभी ये आपके जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ आपके कहीं सिलेबस में नहीं है, बट एक वर्ड आपका एक सेंटेंस आपके सिलेबस में है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो ये सब चीज़ें वहीं से है जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है लूगी पायरंडेलो, वो जो है एक उनके ऑथर है। बिल जो ये है बिल जूनन सोमैमन इज़ द नोवेल विच नो डील्स विद, तो जो ये नोवेल दिया हुआ है वो किस चीज़ को डील करता है, तो उसका फर्स्ट ऑप्शन है वन पर्सन फॉर्मेटिव ईयर्स, जो उसके फॉर्मेटिव ईयर्स है किसी भी व्यक्ति के उसको वो शो करता है। अभी मैं टाइप्स ऑफ नोवेल की वीडियो बनाने जा रही हूँ तो उसमें भी आपको आएगा, मैं अच्छे से उसको वहाँ पर समझा दूँगी। एडमो बेकेट गेनेट लोनिस्को एंड पिंटर आर एसोसिएटेड विद, तो ये जो राइटर थे वो किससे एसोसिएटेड थे, वो थे थिएटर ऑफ द अपसर्ड। मार्टिन एसलिन कोइंड द फ्रेज, जो मार्टिन एसलिन थे उन्होंने कौन सी फ्रेज को कोइंड किया था, दैट इज द थिएटर ऑफ द अर्स अपसर्ड, जो थिएटर ऑफ द अर्सर्ड थी अपसर्ड थी उसको कोइंड किया था, और उनसे जो रिलेटेड थे ये एडमो बेकेट जेनेट लोनिस्को एंड पिंटर, ये सब इनसे एसोसिएटेड थे। मिस कम फ्रॉम ग्रीक मिथोस सिग्निफाइंग, तो ये तो बहुत बार मतलब रिपीट भी हुआ है और मोस्टली मॉडल पेपर में आ ही जाता है, स्टोरी प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड, एक स्टोरी होती है प्लॉट होता है जो इन्वेंटेड किया जाता है। इट इज़ द मार्क्सिस्ट एंड और कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म, जो एक मार्क्सवादी जो होते हैं उनके लिए ये कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा होता है जो थिएटर में की जाती है, दैट इज़ द एजिटप्रोप थिएटर, सी ऑप्शन इसका सही है। हु गेव द न्यूरो मोटो कॉन्सेप्ट ऑफ पोएट्री, मतलब न्यूरो कॉन्सेप्ट पोएट्री किसने दिया है, तो वो आई ए रिचर्ड है। हियर आर द फाइव कोर्स ऑफ द क्रिटिक्स अबाउट शेक्सपियर, तो यहाँ फाइव कोर्स दी गई है क्रिटिक के द्वारा, मतलब क्रिटिक शेक्सपियर के बारे में, तो यहाँ पर बाद में फिर आपको क्या करना है करेक्टली मैच करने हैं। नोट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, बेन जॉनसन ने कही है, बिल्कुल कही है, मैं आपको करा चुकी हूँ शेक्सपियर के लिए, जब मैंने कहा था व्हाट क्रिटिक्स से अबाउट द शेक्सपियर या क्रिटिसिज्म ऑन शेक्सपियर, मेरी शेक्सपियर में जाओगे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सिटेक्स शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, बिल्कुल मिल्टन ने कही है। आर माइंडेड माइंडेड शेक्सपियर कोलरिस ने कही है, बिल्कुल सही है। ही इज़ अ यूनिवर्सल पोएट, बिल्कुल करेक्ट है, लोंग ने कही है। मेलिफ्लोस शेक्सपियर थॉम्स हेवुड, तो ये किसने कही है, ये भी आपकी थॉम्स हेवुड ने कही है, तो उन्होंने पूछा करेक्टली मैच, यहाँ आपका ऑप्शन दिए हुए हैं तो 1 2 3 4 5 सब इसके साथ में क्या मैच है, कोई भी गलत नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड राइट द करेक्ट रिस्पॉन्स, आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट देखना है। द लॉन्गेस्ट प्ले इज हैमलेट विद 4042 लाइन्स एंड 29,551 वर्ड्स, तो लॉन्गेस्ट प्ले दिया हुआ है, शॉर्टेस्ट प्ले दिया हुआ है, तो उन्होंने पूछा है कौन सा करेक्ट रिस्पॉन्स है, तो आपको बताना है बी जो है, बी ओनली बी इज रॉन्ग, तो ये करेक्ट है, वन बी सही, वन ओनली वन इज रॉन्ग, नहीं जी ये बिल्कुल सही है, तो आपका बी ऑप्शन। फाइंड द इनकरेक्ट वन, हैमलेट इन डिसिसनेस, जूलियस सीजर एक्सेसिव प्राइड मैग्लोमैनिया, ये मैं आपको करा चुकी हूँ वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं। ब्रूटस फॉल्टी रीजनिंग मैकबेथ एक्सेसिव सेल्फनेस, तो यहाँ पर देखिए नहीं सेल्फिश थे वे सेल्फलेस नहीं थे, तो यही आपका क्या आएगा 68 का ओनली 4 आ जाएगा। हियर इज द लिस्ट ऑफ पॉपुलर सीन दैट अपियर इन वन ऑफ द शेक्सपियर प्लेज, इन विच प्ले डू दे अपियर, आपको पॉपुलर सीन बताने हैं, हालांकि वीडियो बना ही रखी है लेकिन मैं अब तक अपलोड नहीं कर पाई, उसमें सभी मोस्टली जो वर्क हैं उनमें जो फेमस सीन थे
उनके बारे में दिया गया है। तो थ्री विचेस सीन, पोर्टर सीन, डैगर सीन, बैंकट और ये है स्लीप वॉकिंग सीन। तो ये कहाँ पर है, सारे मैकबेथ में लिए गए हैं। हियर आर द करेक्टर्स विद देयर बीलर्स वीव्स, द नेम्स ऑफ द प्लेस आर रिटन बिफोर देम, फाइंड द करेक्ट वंस। तो यहाँ पर क्या है, बीलर्स है, ये भी वीडियो में आपको दे चुकी हूँ कि किससे शादी हुई है। बीलर थे तो ओथेलो जो है डेस्डेमोना के साथ थे, पेरिक्लीज विद थाइसा के साथ में थे, क्वेश्चन नंबर 70 हैं ये। और द टाइमिंग ऑफ द शुरू, पेट्रोचियो विद कैथरीना थे, जूलियस सीजर बेसेनियो विद पोर्शो। तो जूलियस सीजर मतलब ही नहीं था, बैसो ने पोर्शो तो आपकी वो जो आपकी क्या मर्चेंट ऑफ वेनिस में थी, तो यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कौन सा फोर पर है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। द नेम ऑफ द प्लेज इन विच कॉमिक करेक्टर्स करेक्टर्स डेट प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ अपियर आर गिवन हियर। तो कॉमिक करेक्टर आपको बताने हैं, इसमें कौन कौन से क्या करना है, करेक्ट वन का बताना है। पोम्पी मेजर फॉर मोजर, स्पीड टू जेंटलमैन ऑफ वरोना, थेयर साइड्स ट्रोलिस एंड क्रिसीडा, द ग्रेव डिगर हेमलेट, द पोर्टर मैकबेथ। तो द पोर्टर ग्रेव डिगर ये सब आपके जो है इसमें क्या है, सब मैच है, तो ऑल आर करेक्ट, सी आंसर। 72 हियर आर मैंशन द नेम्स ऑफ द स्पीकर विद देयर कोर्स फ्रॉम शेक्सपियर प्लेज, फाइंड द करेक्ट वन। तो आपको क्या करना है, हम मैंशन किया गया नेम ऑफ द स्पीकर विद देयर कोर्स, कोर्स बता है, कोर्ट दी गई है स्पीकर के साथ में, शेक्सपियर के प्ले से है, आपको करेक्ट बतानी है इसमें से। रिपनेस इज ऑल एडगर किंग लियर एक्ट फिफ्थ सीन सेकेंड में, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, बिल्कुल फेमस लाइनें एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। थ्री विचेज है मैकबेथ में, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट, आपको ये सीन और एक्ट भी याद करने पड़ेंगे, एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। लेट रोम इन टाइबर मेल्ट, एंटनी कहता है एंटनी एंड कैलिपेट्रा, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट। यू टोट मी लैंग्वेज एंड माई प्रॉफिट ऑन इट इज आई नो हाउ टू कर्स, कैलिपन कहते हैं द टेम्पेस्ट, एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड। द बेटर पार्ट ऑफ वेलर इज डिस्क्रेशन, फाल स्टॉप कहते हैं। तो इसका यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा, करेक्ट पूछा है, तो ये आपका 72 का जो आपका आंसर है वो डी है, सारे मैच हैं ये। हियर आर सम करेक्टर्स फ्रॉम ओथेलो, फाइंड द इनकरेक्ट वन। ओथेलो से दिए हुए करेक्टर है आपको इनकरेक्ट बताने हैं, 73 क्वेश्चन है आपका। ग्रेंशियो ब्रदर्स ऑफ बारबेंटियो, ओथेलो आर नोबेल मूड, कैशियो लेफ्टिनेंट ऑफ ओथेलो, इयागो हस्बैंड ऑफ इमिलिया, डेस्डिमोना डॉटर्स ऑफ बारबेंटियो एंड वाइफ ऑफ ओथेलो। तो मेरे हिसाब से इयागो की जो है ये क्या है, ब्रदर ऑफ बारबेंटियो, नोबेल मूड, लेफ्टिनेंट ऑफ ओथेलो, हस्बैंड ऑफ इमिलिया, डॉटर ऑफ बारबेंटियो एंड वाइफ ऑफ बियंका, मिस्ट्रेस ऑफ इयागो। तो ये आपका गलत है, मिस्ट्रेस टू इयागो नहीं, ओनली 20 का आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू शेक्सपियर सोनेट, शेक्सपियर के सोनेट से आपको स्टेटमेंट निकालना है। शेक्सपियर के जो सोनेट्स है ये मैं वीडियो बना चुकी हूँ, शेक्सपियर के सोनेट से जो मैंने वीडियो बनाई है ना, उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो उन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 145 जो सोनेट है वो एक ऐसा सोनेट है जो सिर्फ आइम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है, यानी फोर पेयर्स ऑफ सिलेबल के। सोनेट नंबर 126 यानी जो 126 सोनेट है, डज नॉट कंफर्म राइमिंग स्कीम, इट हैज़ 6 कपलेट्स विद द राइमिंग स्कीम ए ए बी बी सी सी डी डी ई एफ, इट हैज़ 12 लाइन। सोनेट नंबर 99 हैज़ 15 लाइन्स इन प्लेस ऑफ 14 लाइन्स, द राइमिंग पैटर्न ऑफ द सोनेट 99 इज ए बी ए बी ए सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी ए। तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा दे दी है। विच ऑफ द स्टेटमेंट प्रोवाइडेड अबो इज़ आर करेक्ट, तो अगर आपने मेरी वीडियो को अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा, तो ये सारे क्या है, करेक्ट ही है। 74 1 2 3 बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ अ नैरेटिव पोएम, इट इज़ पब्लिश एज एन अपेंडिक्स टू शेक्सपियर सोनेट्स, एक नैरेटिव पोएम है जो पब्लिश हुई, ये भी उस वीडियो में क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने। इट इज़ पब्लिश इन 1609 बाई थॉमस थोप, इट हैज़ 47 स्टैंजा ऑफ 7 लाइन ईच, इट इज़ रिटन इन द राइम रोवल, दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ शेक्सपियर। तो उन्होंने यहाँ क्या पूछा है, उसकी पोएम का नाम पूछा है कि वो कौन सी पोएम है जिस पोएम में ये पब्लिश हुई थी एक अपेंडिक्स के रूप में शेक्सपियर सोनेट्स के, और 1609 में पब्लिश हुई थी थॉमस थोप के द्वारा, 47 स्टैंजा थे, 7 लाइन ईच थी और राइम रोवल में लिखी गई थी। तो ये जो पोएम है आपकी आ लवर्स कंप्लेंट है, आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हो, वहाँ मैंने अच्छे से इनको डिस्क्राइब किया हुआ है। क्लोन अपियर्स इन, जो क्लोन है वो किस में अपियर्स होते हैं ये पूछा गया है, तो टाइटस एंड्रोनिकस, ओथेलो, द विंटर्स टेल, तीनों में ही क्लोन आते हैं।
In Antony and Cleopatra, Fulvia is the wife of Antony. After Fulvia's death, he married Octavia, but his beloved is उसकी beloved कौन थी सभी जानते हैं. Antony Cleopatra में Cleopatra ही उसकी beloved थी. Here are mentioned the names of the speakers with the quotes from Shakespeare's plays. Find the incorrect one. तो यहाँ पर incorrect को आपको ढूंढना है. Blow, blow, the winter winds. एमनीस कहती है एज यू लाइक इट में सेकेंड बहुत फेमस लाइन है एग्जाम में रिपीट हो चुकी हैं तो ये तो आप बिल्कुल लर्न कर लीजिएगा. सम राइजेज बाय सीन एंड सम बाय वर्चूज फॉल एज क्लोज टू एंजलो मेजर फॉर मेजर एक्ट सेकेंड सीन फर्स्ट द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड ये है मर्चेंट ऑफ वेनिस में कही है. ब्लेस देम बॉटम ब्लेस दी दो आर ट्रांसलेटेड कुछ आर मिडसमर नाइट्स ड्रीम एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट If music be the food of love, play on Duke original कहते हैं तो उन्होंने पूछा है कि incorrect आपको बतानी है तो जो ये आपकी fifth वाली है यानी C option इसका गलत है. Globe and Black Fairies are the names of theatre which are associated with it सभी को पता है कहने की ही बात नहीं Shakespeare के साथ जुड़े हुए हैं. In Twelfth Night the forged letter mean to Malvio is signed as जो Twelfth Night में forged letter दिया जाता है जिसपे Malvio साइन करता है वो किस नाम से साइन करता है that the option A the fortunate unhappy. Here are given some quotes from Wordsworth's poem find the incorrect one. आपको कुछ कोर्स दी गई है वर्ड्सवर्थ के बाद आपको इनकरेक्ट बतानी है. सोल ऑफ माई मॉरल बींग तो ये दी हुई है आपकी कहाँ पर टिंटन एबे में थॉट्स दैट डू ओपन लाई टू डीप फॉर टीयर्स इमोर्टेलिटी और फोस्टर्ड अलाइक बाई ब्यूटी एंड फेयर ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ये तो सही है. दैट ब्लेस्ड मोर इमोर्टेलिटी और तो उन्होंने पूछा तो उसका आंसर होगा ये वाली जो कोर्ट वाला है ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है ये लाइनें इमॉर्टेलिटी ओड में नहीं है.